हाँ तो प्यारे बच्चों, कक्षा 12 कृषि जंतु विज्ञान एग्रीकल्चर के छात्रों को आज संघ प्रोटोजोआ का जो जंतु है अमीबा के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। पिछली उससे पहले हमने जो है अमीबा की संरचना के बारे में जो है बताया था। प्यारे बच्चों, किसी भी जंतु का अध्ययन करने के लिए आपको सबसे पहले उस जंतु का वर्गीकरण करना है। वर्गीकरण में आप संघ, वर्ग, गण, वंश और जाति, इतना उसका वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण करने के बाद फिर उस जंतु की आप संरचना, स्ट्रक्चर, संरचना में आप उसका स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएंगे और चित्र बनाने के बाद आप उसको नामांकित करेंगे। नामांकित भागों का आप अध्ययन करेंगे। संरचना के बाद जंतु, किसी भी जंतु को गमन कैसे होता है, यानी लोकोमोशन, यानी गति, कोई भी जंतु गति कैसे करता है, तो सभी जंतु अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, तो वो गमन है। तो प्रत्येक जंतु में चलने फिरने के लिए अलग अलग अंग पाए जाते हैं। जैसे अमीबा में गमन के लिए कूटपाद पाए जाते हैं, स्यूडोपोडिया। कूटपादों के द्वारा अमीबा जो है गति करता है। गमन के बाद फिर हेडिंग डालेंगे आप पोषण। तो जंतु में पोषण किस प्रकार का होता है, प्राणी संभोजी है, बोलो जो है कहते हैं उसको पोषण, वो कैसे भोजन को ग्रहण करता है। अमीबा है तो अमीबा अपना भोजन जो है अपने कूटपादों के द्वारा पकड़ता है और पकड़ करके उसे शरीर के अंदर पहुंचा देता है। पोषण के बाद फिर आता है श्वसन। प्रत्येक जंतु को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और यह ऑक्सीजन हमें वातावरण से प्राप्त होती है। अमीबा एक जलीय जंतु है तो अमीबा जो है जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। इसमें ऑक्सीजन लेने के लिए कोई विशेष अंग नहीं पाए जाते। श्वसन के बाद आता है उत्सर्जन। जब शरीर में भोजन का ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीकरण के बाद शरीर में ऊर्जा बनती है और शरीर में जो अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं उन अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन में मलमूत्र आदि, अमीबा में उत्सर्जन के कोई विशेष अंग नहीं होते हैं। फिर आया जनन। प्रत्येक जंतु जो है अपने समान जीव उत्पन्न करने की क्षमता रखता है जिससे उसकी पीढ़ी आगे बढ़े, वो जनन है। तो अमीबा चूंकि एक कोशिकीय जंतु है, प्राथमिक जंतु है, तो अमीबा में केवल अलैंगिक प्रकार का ही जनन होता है। अलैंगिक प्रकार में जैसे विखंडन में अमीबा का केंद्रक दो भागों में बढ़ जाता है, तो दोनों और प्रत्येक भाग में यदि केंद्रक का कुछ ना कुछ अंश होता है तो वो प्रत्येक अमीबा बन जाता है। इस प्रकार से आप जो है किसी भी जंतु का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। तो आप लोग कोई भी जब जंतु हम पढ़ाएं तो सबसे पहले उसका वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण करने के बाद उसकी संरचना, गमन, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और जनन, ये हेडिंग में आप लोग अच्छी तरह से याद रखें जिससे आप किसी भी जंतु का आसानी से अध्ययन कर सकते हैं।